ऑप्टिक्स में सबने पढ़ा था, जीरो ऑप्टिक्स और उनकी वजह क्या थी कि लाइट के पास, रेडिएशन के पास दो तरह का करैक्टर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। पार्टिकल जब हम कंसीडर करते हैं तो रे को हम बोलते हैं अ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज कॉल्ड रे, और रे इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटोन, और फोटोन क्या है, पार्टिकल है। तो सबके पास जो बुक्स अवेलेबल है उसमें सबसे पहले फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है। फोटोन एक लाइट का पार्टिकल है जिसकी स्पीड कितनी है, 3×10⁸ वही है फोटोन। ठीक है, उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज, एक बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज फोटोन, राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज। तो ये जो लाइट रे है वो फोटोन से बनी हुई है। तो यहाँ पर इस जो ये पार्टिकल नेचर है वो हमको कैसे पता चला कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, उसकी एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक कॉम्पटन इफेक्ट है, और ये जो गामा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, ये सब क्या बताते हैं कि रेडिएशन के पास पार्टिकल करैक्टर है, वो पार्टिकल एक तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर प्लस टू में सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन थोड़ी सी दे रखी है, उसके बाद सीधे सीधे टू एस्टेब्लिश टू एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने की है। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से बना हुआ है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उसमें क्या है कि एक हाईली इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब में एक विंडो दे रखी है जिससे रेडिएशन, यहाँ पर कैथोड है और यहाँ पर एनोड है। ठीक है, कैथोड क्या करेगा, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है, चार्ज का होने का मतलब उसमें से चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे कब, जब लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं होगा कि टॉर्च लगा दी उसके ऊपर उसे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। तो लाइट के पास कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यहां से ये रेडिएशन इस तरह से आएंगे, तो रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेंगे और यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया, यहाँ पर क्या है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी का पॉलरिटी हम चेंज कर सकते हैं, बैटरी पॉलरिटी ऑफ बैटरी कैन बी रिवर्स। अगर हम इसको यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये पॉजिटिव पर आएगा और ये नेगेटिव पर आएगा, अगर हम इसको डायरेक्ट यहां से कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इसको यहां लगाएंगे तब पॉजिटिव आएगा और अगर इसको यहां लगाएंगे तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव है बैटरी का और ये पॉजिटिव, हमने क्या करना है इसको नेगेटिव पे रखना है। यहां से मैं इसको डायरेक्ट अगर कनेक्ट करता हूं तो ये किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव, ये देखो ना पॉजिटिव पे आएगा। तो जैसे यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इट विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, एंड द करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वही है ये जो सोलर सेल में आता है, ये एमिटर यहाँ पर रीडिंग बता देगा और हमें पता लगेगा कि सोलर लाइट हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर क्या गिरा था, सोलर लाइट, मेटल सेंसिटिव प्लेट यहाँ पे लगी हुई है, लाइट सेंसिटिव, जैसे इसके ऊपर लाइट गिरी, लाइट किसकी फॉर्म में, इसका मतलब हुआ
कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि लाइट के पास पार्टिकल करेक्टर है। वो पता कैसे लगा कि यहाँ पे लाइट ने एक पार्टिकल के फॉर्म में इसको स्ट्राइक किया, जैसे बॉल मार दिया हमने इसके ऊपर, वैसे यहाँ पे फोटोन स्ट्राइक हुआ और फोटोन ने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन। तो वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट वन, वन फोटोन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन।